अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों आपको मैं वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पिजन पैराडाइज में। दोस्तों आज एक अपने भाई ने एक वीडियो सेंड किया था मुझे व्हाट्सएप पे, कबूतरों के लिए उसने दाना तैयार किया था। तो उसका कहना है कि ये कबूतरों का दाना जो है आप अपने व्यूअर्स के साथ जो है वो शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको वो वीडियो भी आपको अभी दिखाऊंगा कि वो उसने कौन कौन सा दाना लाया है अपने कबूतरों के लिए। तो आप भी वो वीडियो देखिएगा और आप भी अपनी राय दे दीजिएगा कि उसके बनाया हुआ जो दाना है वो सही है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल ये हो गया जी, ये मेरा बेटा मोहम्मद बिन ताहिर, ठीक है, और ये मेरी बेटी है आयशा बिन ताहिर। आयशा ताली मिलकर हेलो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक किया करे, करो टाटा करो पहले। तो चलिए फिलहाल हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर से बात करते हैं। मेरे ग्रुप के दोस्तों, मैंने आज दाना लाया कबूतरों के लिए। कौन कौन सा दाना मैंने लाया ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मैंने लाया बाजरा 10 केजी, मैंने गेहूं लाया 10 केजी, मूंगी लाया मैंने, मक्की लाया 3 केजी, ज्वार लाया मैंने 4 केजी, चना लाया 3 केजी, मूंगी लाया मैंने 1.5 केजी, और सरसों मैंने लाया 1.5 केजी, और सरसों लाया 1 केजी, और मसूर की दाल जो है वो मैंने लाया 1.5 केजी। ये पूरा बनता है 35 केजी। 35 केजी मैंने लाया तो फिर मैंने क्या कर दिया, इसको मिला दिया, और मैंने इसको 2 आइटम और भी डाल दिए, वो मुझे घर में ही निकलते हैं। नंबर 1 है दान, नंबर 2 है चावल। ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ दान और चावल, क्योंकि दान जो है ये कबूतरों को मिट्टी का काम देता है, जो मिट्टी कबूतरों के लिए हम बना रहे हैं, इसके बरक्स में डालता हूँ दान। दान का काम क्या होता है, वो मिट्टी का काम देता है, और जो चावल का काम है वो बच्चों में थोड़ा पले बड़े जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं थोड़ा चावल में। चावल तो मैंने ज़्यादा नहीं डाला, मैंने दान ज़्यादा डाला, लेकिन दान देता है मिट्टी का काम, और चावल जो है वो बच्चों को बड़ा करने में काम आता है। बाकी मेरे दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस तरह का दाना अपने कबूतरों को दे, कबूतर इसे ताकतवर रहते हैं। बाकी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा, तो आप भी अपने जो राय है वो कमेंट्स में दिया करें कि दाना कैसा था। ठीक है दोस्तों, तो बाकी यार उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक भी आ पहुँचे। ठीक है, और दोस्तों शेयर करना ना भूलें, शेयर करना अपने हर एक भाई के साथ, ताकि हमारे चैनल में बहुत सारे जो है मेंबर जुड़े। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।